नमस्कार दोस्तों, बजाज फाइनेंस का यहाँ पर शेयर देखने को मिल रहा है दोस्तों, बजाज फाइनेंस। और दोस्तों 7,769 रुपए पर यहाँ पर शेयर की प्राइस वैल्यू देखने को मिल रही है। 72 रुपए की गिरावट यहाँ पर स्टॉक में देखने को मिल रही है। 0.92% का यहाँ पर स्टॉक की गिरावट वन डे देखने को मिल रही है दोस्तों। तो यहाँ पर अच्छी खासी मोमेंटम स्टॉक बना सकता है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर वीकली बात करें एक सप्ताह के अंतर्गत, तो भारी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। 3.44% की गिरावट है। 274 रुपए की भारी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है दोस्तों। 7,769 रुपए का यहाँ पर शेयर देखने को मिल रहा है दोस्तों, बजाज फाइनेंस का दोस्तों। जो कि यहाँ पर फोर व्हीलर टू व्हीलर जो भी गाड़ी है बजाज की, वहाँ पर ये फाइनेंस करती है दोस्तों गाड़ियाँ। और दोस्तों जिस पर आप देख सकते हो इस प्रेस कंपनी का यहाँ पर शेयर प्राइस देखने को मिल रहा है दोस्तों। 17 अक्टूबर का अच्छा खासा यहाँ पर हाई था, 8,154 रुपए पर यहाँ पर शेयर की प्राइस वैल्यू देखने को मिल रही है दोस्तों। बात करें दोस्तों सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, यहाँ पर स्टॉक का सपोर्ट बना सकता है 720, 7,750 से 720 तक स्टॉक का सपोर्ट बना सकता है दोस्तों। यहाँ से सपोर्ट बनाकर हाई मोमेंटम अगर बना सकता है दोस्तों, सपोर्ट ब्रेक करता है तो भारी गिरावट स्टॉक की बन सकती है दोस्तों। एक महीने का 3.19% का प्रॉफिट और 240 रुपए का यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिल रहा है दोस्तों। यानी कि स्टॉक का यहाँ से अच्छा खासा यहाँ तक अच्छा खासा हाई मोमेंटम देखने को मिला। 21 सितम्बर से लेकर 19-10 सितम्बर तक, 20 सितम्बर तक अच्छा खासा हाई प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिला है दोस्तों। और दोस्तों 1 ईयर की चार्ट में देखिए तो यहाँ पर स्टॉक की गिरावट होने की संभावनाएं बनी हुई है। स्टॉक में गिरावट होने की संभावना 7,471 तक होने की संभावनाएं बन सकती है दोस्तों। तो यहाँ पर आप मोमेंटम बनाए नजर बनाए रखें। स्टॉक पर पहले नजर 7,500 और 7,160 में यहाँ पर 800 हाई देखने को मिल रहा है। इसके हाई पर भी यहाँ पर स्टॉक सपोर्ट बना सकता है दोस्तों शेयर 7,000। और दोस्तों यहाँ पर 279 रुपए का प्रॉफिट है। 3.73% का रिटर्न बना हुआ है स्टॉक में देखने को मिल रहा है। एक साल का 5 ईयर के चार्ट में गिरावट होते हुए स्टॉक में देखने को मिल रही है। ऑल टाइम के साथ अच्छा खासा हाई मोमेंटम स्टॉक में बनाया हुआ है। यहाँ से स्टॉक की गिरावट मोमेंटम बनी हुई है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ से स्टॉक का प्राइस गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। स्टॉक में टुडे लो देखने को मिला है 7,722 और दोस्तों टुडे हाई यहाँ पर 7,832 रुपए देखने को मिल रहा है। और दोस्तों इस स्टॉक का बाउंस तक लो 5,485 रुपए है। 5 सप्ताह का हाई 8,192 रुपए है दोस्तों। यहाँ से 52 सप्ताह के हाई से 5 सप्ताह के लो की तरफ जाने की संभावना स्टॉक की बनी हुई है दोस्तों। धीरे धीरे यहाँ पर स्टॉक 52 सप्ताह के लो को तरफ जाता हुआ देखने को मिला दोस्तों। एक्सपर्ट रेटिंग के हिसाब से बायर्स इस शेयर में 69% है, होल्डिंग 10%, सेलिंग 21% देखने को मिल रही है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 4,75,000 करोड़ का देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 21% की यहां पर देखने को मिल रही है दोस्तों। डेब्ट टू इक्विटी यहां पर स्टॉक का 4.28 है। तो दोस्तों यहाँ पर अच्छा खासा मोमेंटम स्टॉक का बन सकता है। प्रॉफिट यहाँ पर अच्छी खासी कर रही है कंपनी। तो दोस्तों यहाँ पर स्टॉक की गिरावट होने की संभावनाएं बनी हुई है। एक महीने में थोड़ी और गिरावट हो सकती है। स्टॉक का लोअर सर्किट यहाँ पर लग सकता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाजार में निवेश करते हैं तो इसमें वित्तीय जोखिम की संभावना हो सकती है, कृपया अपनी जिम्मेदारी पर बाजार में निवेश कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।